Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Siddhu Vlogs. So guys, आज मैं बहुत टाइम बाद रियक्ट कर रही हूँ एक अपकमिंग शो पे. एंड इस ये शो काफ़ी टॉप ऑफ द टाउन रहा. बहुत देर पहले इनके टीजर्स आउट हुए थे. शो का नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास. एंड बहुत ही अनयूजल, नेवर सीन बिफोर पेयरिंग है इसमें. अपेरेंटली पेयरिंग की बहुत अच्छी बातें हो रही हैं कि पेयर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. बिलाल अब्बास तो है ही, लेकिन देखते हैं फीमेल कैटेगरी में कौन सी एक्ट्रेस हैं. एंड देखते हैं कि ये शो शुरू हो रहा है 26 फेब से. एंड आज हो गई है 20 फेब, तो देखते हैं कि कैसा रहता है ये शो. और बहुत मज़ा आएगा देखने में. एंड स्पेशली आफ्टर बिलाल अब्बास हैज़ डन इश्क मुर्शद, वो शो काफ़ी हाइप्ड है एंड काफ़ी हिट जा रहा है. एंड उसके बाद एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामा आता नजर आ रहा है. सो गाइज, डू लेट मी नो व्हाट योर व्यूज आर ऑन दिस. लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन रिएक्शन वीडियोस में लाती रहूँ. एंड यू चेक आउट माय इंस्टा हैंडल एज वेल. ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टू चेक दैट आउट एज वेल. सो गाइज, जल्दी से इस पे रिएक्ट करते हैं. सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्लापुर का देवदास. बेटा, अब्दुल्लापुर में परियां नहीं उतरेंगी. उतरेगी खाला, जरूर उतरेगी. सारा खान, अब्दुल्लापुर में मेरे लिए परी जरूर उतरेगी. ये सब कुछ सिर्फ कहानियों में होता है. कहाँ है मेरा शहजादा और कब मिलेगा मुझे? और अब मैं दावत देती हूँ एक नौजवान शायर और अब्दुल्लापुर के देवदास को. काशी भी ताका जाके कर लेता है. फखर ऐसा नहीं है, लेकिन कल रात को पता नहीं उसे क्या हो गया था. कहने लगा किसी परी को देखने जा रहा हूँ. अगर वो कहती मार डाल बेदार, खुदा की कसम मार डालता उसे. पर मुलाकात पर बुलाकर कहती कत्ल इसी ने किया है. मोहब्बत में अगर मरना लाजमी है, तो फिर हर बार अब्दुल्लापुर का कोई नौजवान ही इसकी भेंट क्यों चढ़ता है? सफेद हवेली की किसी हसीना को मौत क्यों नहीं आ जाती है मोहब्बत में? मांग लो, क्या मांगना है, महबूब या मोहब्बत? महबूब दे दी गई, इसे मोहब्बत बनाकर तो पालूंगा. बानो, मुझसे कहो कि मुझे सिर्फ एक दफा उससे मिलवा दे, प्लीज मिलवा दे. मैं नहीं कहूंगी मुझे अपने साथ लेके जाए, मगर प्लीज मुझे अपना नाम लेके चला जा. मुझे लगता था कि तुम्हें गुलमानों से हमदर्दी है, मगर तुम तो उसके दीवाने निकले. किसी लड़की को साथ तन्हा छोड़ के मुंह छुपा लेने वाले को मोहब्बत सेब नहीं देती. वो जैसा भी है, जो भी है, मुझे कबूल है. महबूब बन गया जिसकी मोहब्बत नहीं मिली. उसका नाम लेके तड़पती है, उसका नाम लेके रोज मारती है. मैं उसके बिना रहना चाहूंगी, तो प्लीज मुझे बचा लो. मैं कैसे बचा सकता हूँ आपको? वो सब मुल्तान में है. सुना था मोहब्बत में देवदास बहुत से जानलेवे मरहलों से गुजरता था, लेकिन ऐसी कयामत तो शायद उस पर भी नहीं गुजरी होगी. Oh my God, ये तो बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी है. बिल्कुल खुदा और मोहब्बत वाली वाइब्स आ रही हैं. आई एम नॉट सेइंग कि स्टोरी वैसी, ऑब्वियसली स्टोरी वैसी नहीं होगी, काफ़ी यूनिक बनाने की ट्राई करते हैं हमेशा, लेकिन वाइब मुझे वैसी आई. वो रेलवे स्टेशन और ट्रेन वाला सीन, लड़की बड़ी हवेली में रहती होती है. मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्लापुर का देवदास होंगे तो बिलाल अब्बास ही, बट आई थिंक वो अनोनमस रहते होते हैं, या जो दोस्त हैं वो अनोनमस रहते हैं. कुछ तो ऐसा है इसमें सीन, बिकॉज हु इज़ द एक्चुअल अब्दुल्लापुर का देवदास. आई थिंक ये स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी. एंड देन सारा खान का रोल बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों का पैर मुझे अच्छा लग रहा है वैसे. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सैड एंडिंग होगी. नुमान एजाज भी हैं इसमें, एंड अपेरेंटली वो भी अब्दुल्लापुर के देवदास रहे होते हैं किसी टाइम पे. एंड हवेली के साथ उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन और रिलेशन है. तो स्टोरी तो काफ़ी एंटरटेनिंग लग रही है. और गाना ओएसटी अखियां के सामने, जो कि बहुत पुराना है, हमें पता है नुसरत फतेह अली खान का है वो, एंड वो भी सुनने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है वो भी सुनने में. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइज़.